हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रीका चैनल। आज मैं आपको सर्दियों का स्पेशल टेस्टी और क्रिस्पी मेथी मिक्स वेज का पराठा बनाकर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरी तरीके से पराठा जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये पराठा। आप ये पराठा बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चे जो कि सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, इस तरीके से आप उन्हें पराठा बनाकर देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, पराठे के साथ साथ वो सब्जियां भी खा लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो आइए पराठा बनाना शुरू करते हैं। मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। फूल गोभी को ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है, एक मीडियम साइज के प्याज को फाइनली चॉप करके लिया है, शिमला मिर्च को बारीक काट कर लिया है, खीरा और गाजर को भी ग्रेट करके लिया है, अदरक के एक छोटे टुकड़े को ग्रेट कर लिया है, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, तीखा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, मेथी को बारीक काट कर लिया है। मैंने मेथी को अच्छे से बॉस करने के बाद उसे साफ कर लिया था, फिर उसको हमने बारीक काट लिया है, क्योंकि मेथी वगैरह में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, इसलिए उसको अच्छे से धोने के बाद ही हमें इसको काटना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पनीर को ग्रेट करके लिया है, एक बॉयल आलू को अच्छे से मैश करके लिया है, आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है, इसमें एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। मेथी, पनीर और आलू को हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए वो अभी नहीं डालेंगे। सब्जियों को हम आधा मिनट तक फ्राई करेंगे, गैस को मीडियम पर रखेंगे। सब्जियों को इस तरीके से फ्राई करने के बाद जब हम पराठा इसका बनाएंगे ना, तो पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आधा मिनट हो गया इन्हें फ्राई होते हुए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम मेथी को डालेंगे, उसे कंटिन्यूस चलाते हुए भूनेंगे, गैस को लो पर रखेंगे। मेथी को हमें 15 से 20 सेकंड के लिए भूनना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। 15 से 20 सेकंड हो गए, मेथी अच्छे से भुन गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम पराठे के लिए डो लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, अब इसमें भुनी हुई मेथी डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, अजवाइन को लिया है, अजवाइन को हाथों से इस तरीके से क्रश करते हुए डालेंगे, एक चम्मच ऑयल डालेंगे, हाथों से एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि नमक और ऑयल सभी जगह अच्छे से पहुंच जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, जैसे कि नॉर्मली हम पराठों का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसको अच्छे से मसलते हुए रेडी करेंगे। देखिए सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है, अब इसको 15 मिनट के लिए हम ढककर रख देते हैं जिससे कि ये सेट हो जाएगा। अब हम पराठे की स्टफिंग देख लेते हैं। वेजिटेबल्स हमारी ठंडी हो गई है, अब इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे, मैश किया हुआ आलू डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक आप थोड़ा देखकर ही डालें क्योंकि बाद में हम चाट मसाला यूज करेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि मसाले सभी जगह अच्छे से पहुंच जाएं। पराठे के लिए स्टफिंग हमारी तैयार है, अब हम आटे को देख लेते हैं। 15 मिनट हो गए, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, एक बार इसे अच्छे से मसल लेते हैं। अब इसकी मीडियम साइज की लोइयां तोड़ेंगे, एक लोई लेकर इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी आप रोटी या पराठा बनाएं तो 15 मिनट पहले ही आटा लगा के रख दें, उसके बाद जब हम रोटी या पराठा बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको जिस तरीके से हम पराठा बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे। एक रोटी को हमने बेल लिया है, अब हम दूसरी लोई को बेलेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, बेलते समय आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, दोनों रोटियों को हमें सेम बेलना है। देखिए दूसरी लोई भी बनकर तैयार हो गई है। पराठे के बीच में हम 2 से 2.5 चम्मच करीब स्टफिंग रखेंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे। पराठे में स्टफिंग लगकर तैयार है, अब इसके ऊपर दूसरा पराठा रखेंगे, साइड से इसे अच्छे से दबा देंगे जिससे कि स्टफिंग बाहर ना आए। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इसे हल्के हाथों से थोड़ा बेल लेते हैं।
देखिए एक पराठा बेल कर तैयार कर लिया है, ऐसे ही सारे बेल लेती हूँ। देखिए पराठों को हमने बेल लिया है, अब इन्हें सेकेंगे। पराठा सेकने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक तवा लिया है, आप इसे नॉर्मल तवे पर भी सेक सकते हैं। तवे पर थोड़ा सा घी लगाएंगे, अब इसमें पराठा डालेंगे और गैस को मीडियम पर रखेंगे। मैं ये पराठा घी से सेक रही हूँ, आप इसे ऑयल में भी सेक सकते हैं। पराठा नीचे से सेक गया है, अब इसको पलट लेते हैं। अब इसमें घी लगाएंगे, अब इस तरह पलट लेते हैं, इधर भी घी लगाएंगे। इसको दबाते हुए अच्छे से सेकेंगे जिससे कि पराठा और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। इसको निकाल लेते हैं, ऐसे ही मैं सारे पराठे सेक लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पराठे बनकर तैयार हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। आप इन्हें दही चटनी सॉस सभी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये 2-in-1 रेसिपी है, मैंने मेथी के पराठे के साथ साथ मिक्स वेज का पराठा भी बना लिया। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हैं, तो आप लोग भी घर पर जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।